एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले मेरे हमसफ़र का हानिया आमिर का इंस्पायर्ड लुक, जिसमें मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है मेकअप। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टोनर लगाया, वाव स्किन साइंस का टोनर लगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 मिनट वेट किया है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र, जो यहाँ पर मेरे पास है मामा अर्थ का विटामिन सी मॉइस्चराइज़र। इसे हम अपने फेस पर बहुत आराम से मसाज करते हुए लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा मॉइस्चराइज़र लग चुका है, और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद स्किन हमारी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी हो जाती है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे NY बेब का सिलिकॉन बेस प्राइमर। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये मैंने अपने नोज़ के ऊपर और जहाँ जहाँ पे आपके ओपन पोर्स है वहाँ पर आप लगाए, आपके पोर्स को बहुत अच्छे से फिल कर देता है। ये सिलिकॉन बेस प्राइमर है और बहुत स्किन आपकी जो है वो स्मूथ हो जाती है, बटर के जैसी। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र को बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया अपने फेस पे, जहाँ जहाँ पे आपको पसीना आता है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फिट मी का फाउंडेशन है मेरे पास, और डॉट डॉट करके हम बहुत ही लाइट सा मेकअप करने वाले, ज़्यादा फुल कवरेज वाला बेस नहीं है, एकदम नॉर्मल सा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्यूटी स्पंज से उसे ब्लेंड कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पारी आती कंसीलर की। मैंने यहाँ पे जिस एरिया को हाईलाइट करना है मैंने वहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया है, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मैंने कंसीलर को अप्लाई किया है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, आपका एक लाइक करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। सो यहाँ पे हमारा कंसीलर हो चुका है ब्लेंड, थोड़ा थोड़ा करके मैंने, और ब्लेंड करने में इतना मेरा हाथ दर्द होता है, आप लोग को लाइक करने में बिल्कुल भी हाथ में दर्द नहीं होने वाला है, प्लीज़ एक लाइक कर देना। सो हमने यहाँ पे कंसीलर को कर लिया है ब्लेंड। अब हम यूज़ करेंगे लिपस्टिक एज अ ब्लश। मेरे पास इस शेड का ब्लश नहीं था, तो मैंने यहाँ पर लिपस्टिक को ब्लश की तरह पर अप्लाई किया है। इसे हम बहुत अच्छे खासे अमाउंट में अप्लाई करेंगे अपने चिक्स पे, एप्पल जैसा ब्लश लगाएंगे हम यहाँ पे और नोज़ पे भी। सो यहाँ पे मैंने ब्लश को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ब्लेंड करते रहो। सो यहाँ पे हमारा ब्लश हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट हम अपने पूरे फेस को पाउडर से सेट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने फिट मी का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, और इससे अच्छे से पूरे फेस पे हम अप्लाई कर लेंगे पाउडर को, ताकि जितना भी पसीना उसीना कुछ नहीं आए, हमारा फेस जो है एकदम फुल लॉक हो जाए पाउडर से। ओके, तो यहाँ पे हमने जहाँ पे क्रीम ब्लश अप्लाई किया था लिपस्टिक से, अब वहाँ पे हम ये दो लाइट पिंक शेड अप्लाई करेंगे, और डार्क पिंक जहाँ पे आपने क्रीम ब्लश अप्लाई किया था। मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया बहुत आराम से। हमारा ब्लश हो चुका है कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे आई मेकअप देख रही थी। सो हम करने वाले हैं बहुत ही थिक आईब्रोज। मैंने यहाँ पे आईब्रो ब्लैक आई शेडो से फिल किया है, और ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। सो मैंने यहाँ पे आईब्रोज़ को फिल कर लिया है सेम जिस तरीके से पिक में है हानिया आमिर की। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है आईब्रोज़ को, और यहाँ पे मेरे टेढ़े मेरे आईब्रोज़। और नेक्स्ट हम अप्लाई करें आई मेकअप में बेसिक्स है, सिर्फ आपको मस्कारा अप्लाई करना है, बहुत ही थिक सा आईब्रो ड्रॉ करना है बस, बहुत ही ईजी पीजी सा लुक है। और डिफरेंट देखो, एक साइड में मैंने यहाँ पे मस्कारा यूज़ किया, ये मस्कारा बहुत अच्छा है, आपके लैस को कर्ल कर देता है, वॉल्यूम भी है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे लिपस्टिक। यहाँ पे दोनों लिपस्टिक मेरे पास हिलारी रूडा के, फर्स्ट है न्यूट शेड और एक है पिंक शेड में। तो मैंने यहाँ पर ओमरे लिप्स किया है। पहले हम अप्लाई करेंगे न्यूट शेड,
उसके बाद थोड़ा सा अप्लाई करेंगे हम पिंक लिपस्टिक। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी कर देना। सो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया पिंक लिपस्टिक को। बहुत नेचुरल सा लुक लग रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद आया है ये। इतना मतलब सिंपल सा आप कहीं पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एयरिंग में दो ऑप्शन था, एक वाइट और एक ये गोल्डन में, तो मैंने वाइट वाला वेयर किया है। आई थिंक इस लुक के साथ ये जा रहा था इसके वजह से। डन। अगर इस वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।